गुड मॉर्निंग टू ऑल माई डियर स्टूडेंट्स. टूडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन चैप्टर नंबर 12 ऑफ द सब्जेक्ट इंग्लिश फर्स्ट ऑफ क्लास 4th. द नेम ऑफ द चैप्टर इज बीरबल द ग्रेट, यानी बीरबल महान. अकबर वॉज अ ग्रेट मुगल एम्परर. ही वॉज द सन ऑफ एम्परर हुमायूं. एट द एज ऑफ 13 ही बिकेम द एम्परर. देयर वर 9 ज्वेल्स, दैट इज नवरत्नास, इन अकबर्स कोर्ट. Birbal was the wisest among them. He was Akbar's favorite. We must get rid of Birbal, a weak minister said to his friend. He always comes in our way. Akbar जो थे वो एक मुगल बादशाह थे. वो बादशाह हुमायूं के पुत्र थे और 13 साल की उम्र में अकबर जो रहते हैं वो बादशाह की गद्दी पर बैठ जाते हैं. अकबर के राज्य में, अकबर के दरबार में उनके 9 रत्न थे. नवरत्न यानी उनके 9 बहुत ही बुद्धिमान ऐसे मंत्री थे जो कि उनकी हर समस्या में उनको समाधान दिया करते थे. तो उन सब 9 रत्नों में से बीरबल जो थे वो सबसे ज़्यादा बुद्धिमान थे और अकबर के सबसे प्रिय भी थे. तो बाकी के जो मंत्री रहते हैं वो सोचते हैं कि हमें इस दुष्ट बीरबल से छुटकारा चाहिए क्योंकि ये हमेशा हमारे बीच में आ जाता है. They made a plan to kill Birbal. They went to the royal barber and barber and said, "If you want to become rich, it is barber. Rich, we have a plan. The next time you go to cut the king's hair, tell him that you had a dream that you saw the king's father and grandfather in the heaven, that they looked very sad and wanted Birbal's company in heaven for 6 months. The king will certainly kill Birbal and send him to heaven. Then we will give you 5,000 coins." तो अब जो बाकी के मंत्री रहते हैं वो लोग एक प्लान बनाते हैं बीरबल को मारने का. वो जाते हैं शाही दरबार का जो नाई होता है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पास, अगर तुम अमीर बनना चाहते हो तो हमारे पास एक तरकीब है. अगली बार तुम जब राजा के बाल काटने के लिए जाना तो तुम उनसे बोलना कि तुमने एक सपना देखा है और उस सपने में तुमने राजा के, बादशाह के पिता को और उनकी दादा को देखा है. और वो तुमसे कह रहे थे, वो बहुत दुखी दिख रहे थे और वो चाहते थे कि वो स्वर्ग में बीरबल उनका साथ देने के लिए आए 6 महीने के लिए. उसके बाद राजा जो रहेंगे वो बीरबल को मार देंगे और उसे स्वर्ग पहुंचा देंगे और ऐसा जब हो जाएगा तब हम तुम्हें 5,000 सिक्के देंगे. ऐसा सारे मंत्री उस नाई से बोलते हैं. द रॉयल बार्बर अग्रीड. On his next visit, the barber told Akbar what the weak minister had asked him to tell. Birbal was summoned to the court. Akbar said, "Dear Birbal, my father and grandfather are very sad in heaven. They wanted your company there for 6 months." तो जो शाही दरबार का बारबर रहता है वो अग्री हो जाता है इन लोगों की बातों से. तो फिर अगली बार जब वो जाता है राजा के बाल काटने के लिए तो वो ऐसा ही करता है जैसा कि मंत्रियों ने बोला था. तो फिर बीरबल को महाराज बुलवाते हैं, बादशाह अकबर जो रहते हैं वो बीरबल को बुलवाते हैं अपने दरबार में और उसे कहते हैं कि बीरबल, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी तुम्हें अब स्वर्ग में 6 महीने के लिए बुलाना चाहते हैं. My lord, how can you say this? Asked Birbal. My barber had a dream, said Akbar. Birbal was quick to understand the plan. He said, My lord, I am ready to go to heaven for 6 months. Birbal secretly constructed an underground tunnel in the compound of his house. He got a big heap of fire wood put at the mouth of his mouth of this tunnel. He entered the heap in the presence of Akbar and other ministers. अब क्या होता है जब राजा उससे बोलते हैं कि तुम्हें स्वर्ग जाना है 6 महीने के लिए. तो फिर पहले तो बीरबल जो रहते हैं वो कहते हैं कि महाराज ये कैसे हो सकता है. तो फिर आगे बादशाह जो रहते हैं वो बोलते हैं कि मेरा जो शाही नाई है उसको ऐसा सपना आया है. और ये सुन करके बीरबल सारी बातें समझ जाता है. वो कहता है ठीक है महाराज, मैं 6 महीने के लिए स्वर्ग जाने के लिए तैयार हूँ. अब बीरबल क्या करता है, वो चुपके से अपने घर के नीचे घर एक टनल बनाता है अंडरग्राउंड, जो कि ज़मीन के नीचे रहता है.
टनल बना करके और उसके मुहाने पे जहाँ से एंट्री होती है वहाँ पे आग जला देता है, आग का ढेर जला देता है, और वो सभी मंत्रियों और अकबर राजा के उपस्थिति में वो उस आग में कूद जाता है। द बार्बर सेट फायर टू द हीप वुड। बीरबल्स एनिमी वर हैप्पी टू थिंक दैट बीरबल वॉज नो मोर। बीरबल एस्केप्ड थ्रू द टनल एंड पास्ड 6 months इन एक्सिल। आफ्टर 6 months ही केम टू द कोर्ट विथ लॉन्ग हेयर एंड बियर्ड। वेलकम बैक माई डियर, अकबर सेड इन ग्रेट जॉय। हाउ आर माई फादर एंड ग्रैंड फादर इन हेवन, आस्क्ड अकबर। माई लॉर्ड, दे आर हैप्पी देयर, बट दे टू हैव लॉन्ग हेयर्स एंड बियर्ड, दैट इज वाई दे आर सैड, सेड बीरबल। तो अब क्या होता है, वो जो बार्बर रहता है वही उसके मुहाने पे आग लगाता है और बाकी के जो मंत्री रहते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि बीरबल अब नहीं रहा। लेकिन वो बीरबल क्या रहता है, वो बच जाता है उस टनल में, वो 6 महीने तक रहता है। 6 महीने के बाद वो राजा के सामने उपस्थित होता है और राजा जो रहते हैं वो देख करके उसे बहुत खुश होते हैं। और इस समय बीरबल के बाल और दाढ़ी काफ़ी लंबे हो चुके थे। तो फिर वो राजा पूछते हैं कि बताओ मेरे दादा और पिता कैसे हैं स्वर्ग में। तो बीरबल कहता है कि वो सब तो सही हैं, लेकिन उनके भी बाल और दाढ़ी जो है बहुत लंबी हो गई है, ऐसा बोलता है बीरबल। तो इसका मतलब आपने समझा, इसका मतलब कि अब बीरबल का इंडिकेशन जो था वो ये था कि वो बार्बर को भी स्वर्ग भेज दे ताकि वो स्वर्ग जा करके इनके पिताजी और दादाजी की दाढ़ियाँ काट दें, दाढ़ी और बाल को काटे। सो दिस वॉज इन स्मॉल बट इंटरेस्टिंग स्टोरी। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। सॉरी स्टूडेंट्स, द स्टोरी इज स्टिल रिमेन, सो आई एम कंटिन्यूइंग इट। माई लॉर्ड, देर इज नो बार्बर इन हेवन टू सर्व देम। They want you to send royal barber there, answered Birbal. Now it was Baba's turn to go to heaven. The barber was frightened and told the whole plan of winged ministers to the king. The minister and the barber were arrested and put into jail. तो जब बीरबल आते हैं वो बोलते हैं कि पिताजी और दादाजी के भी दाढ़ी और बाल लंबे हो गए हैं। तो वो कहते हैं कि महाराज, उन्होंने बोला है कि वो नाई को, यानी आप जो हैं वो नाई को स्वर्ग भेज दें ताकि वो वहाँ जा करके उनके दाढ़ी बाल को बना सके। अब बार्बर जो रहता है वो, अब बार्बर की बारी थी स्वर्ग जाने की, वो बहुत डर जाता है और मंत्रियों की सारी जो क्रूरता और कायरतापूर्ण उनकी जो चाल रहती है वो राजा को बता देता है। राजा जानने के बाद सभी मंत्रियों को अरेस्ट करवा के जेल में डाल देते हैं। सो नाउ द स्टोरी हैज़ फिनिश्ड, नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेज ऑफ दिस चैप्टर। Who said these words? Number one, we must get rid of barber, it is said by ministers. My father and grandfather are very sad in heaven, said by Akbar. My lord, I am ready to go to heaven for 6 months, it is said by Birbal. Welcome back, my dear, said by Akbar. Now fill in the blanks. Number one, Akbar was the son of Mughal Emperor Dash, it is Humayun. There were Dash jewels in Akbar's court, 9. We will give you dash gold coins, 5,000. Birbal secretly constructed an underground dash in the house, tunnel. He entered the dash in the presence of Akbar and ministers. The barber told the whole dash of winged ministers to the king, plan. Next is right, true or false. Number one, Akbar became the king at the age of 14, false. They made a plan to kill Birbal, true. The minister said to give 1,000 silver coins, false. After 6 months he came to the court, true. The barber was sent to jail, true. Next is, rearrange the letters to find word that match to give clues. This is, you live here, you live in house, you go to study here, you go to school to study. Meal of the night is dinner, you go there to play, you go to park. So these were the exercises, question answers you will get into your homework. That's all for today. Thank you so much.